राम जन्मभूमि अयोध्या में 5 अगस्त थनारा राम मंदिर भूमिपूजन शिलान्यास प्रसंगे 92 वर्षीय तपागच्छाधिपति हस्ते जैन समाज द्वारा 11 किलो चांदी द्रव्यों अर्पण करायु आरएसएस विश्व हिंदू परिषद सभ्य हाजरी में दान करायु। अयोध्या खाते भव्य राम मंदिर निर्माण पामी रह्यु होय अने आगामी 5 अगस्त शिलान्यास होय जेने लई सूरती 92 वर्षीय तपागच्छाधिपति जैनाचार्य मनोहर कीर्तिसागर सुरेश्वरजी महाराज तथा तपागच्छीय प्रवर समिति कार्यवाहक महामांगलिक प्रदाता गच्छाधिपति जैनाचार्य विजय अभयदेव सूरी स्वरजी महाराज साहेब न आशीर्वाद थी जैनाचार्य बुद्धिसागर सूरी जैन समाधि मंदिर ट्रस्ट विजापुर तथा शुभ मंगल फाउंडेशन गुरुराम पावन भूमि सूरत ट्रस्टीगण शुभ हस्ते 11 किलो रजत द्रव्य अर्पण राष्ट्रीय सेवक संघ न प्रांत कार्यवाहक यशवंत भाई चौधरी अने तेमज सूरत शहर कार्यवाहक सुरेश भाई मास्टर तथा विश्व हिंदू परिषद सूरत शहर उपाध्यक्ष विक्रमजी शेखावत वगैरह की हाजरी में करायु हतु। 11 किलो रजत द्रव्य अयोध्या खाते मुकाशे। जैनाचार्य आ भूमि पूजन शिलान्यास प्रसंगे मंदिर निर्माण कार्य ने निर्विघ्ने परिपूर्ण थाय ते हेतुसर समग्र जैन समाज में सौने वधु ने वधु नवकार महामंत्र नो जाप मांगलिक आयंबिल नो तप जिनालय में प्रभु भक्ति स्वरूप सनात्र महोत्सव अंगरचना सांजे आरती मंगल दीवो करवा द्वारा दीपोत्सव करी सद्भावना प्रगट करवा प्रेरित करवामां आव्या छे। राष्ट्रना समग्र समाजोए निर्माण थनारा ऐतिहासिक राम मंदिर में भाग लेवो जोईए तेम वधुमां जणाव्युं। ગુરુરામ પાવન ભૂમિની અંદર પરમ પૂજ્ય ગચ્છાધિપતિ આચાર્ય ભગવાન શ્રી વિજય અભયદેવ સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબની આશીર્વાદથી એક સનાતન ધર્મ સાથે જોડવાનો એક અનોખો કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો, જે કે 5 ઓગસ્ટે રામ જન્મભૂમિની અંદર શિલાન્યાસ ભૂમિપૂજન વડાપ્રધાન શ્રી માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીના હસ્તે જવા થઈ રહ્યું છે તે પ્રસંગે અમારા જૈન સમાજ તરફથી અને તપાગચ્છાધિપતિ મનોહર કીર્તિસાગર સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબ સાથે સાથે ગચ્છાધિપતિ તપાગચ્છીય પ્રવર સમિતિના કાર્યવાહક અભયદેવ સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબની પ્રેરણાથી આશીર્વાદથી 11 કિલો ચાંદીનો પાઠ ત્યાં શિલાન્યાસમાં મૂકવા માટે એક એમના ગુરુભક્તો દ્વારા અર્પણ કરવામાં આવી, સાથે સાથે એ રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ અને વિશ્વ હિન્દુ પરિષદને અર્પણ કરવામાં આવ્યું અને એક 5 ઓગસ્ટના લીધે જૈન સમાજને એક આગવી પ્રેરણા કરવામાં આવી કે આ 5 ઓગસ્ટનો એક તહેવાર છે રામ મંદિરનો, તો એની અંદર આપણે નવકાર મંદિરના વધુને વધુ જાપ કરો, આંબેલનો તપ કરો અને સાંજે આરતી મંગળ દીવા સમય રહી અને દીપોત્સવ કરો, આવો એક મંગલ પ્રેરણા પણ કરવામાં આવી છે। આ કાર્યની અંદર રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના કાર્યકર્તાઓ અને વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના કાર્યકર્તાઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા। અહીંથી એ ચાંદીની પાઠ અયોધ્યા સુધી મોકલવામાં આવશે અને ત્યાં આગળ શિલાન્યાસમાં વડાપ્રધાનશ્રીના હસ્તે રાખવામાં આવશે। અયોધ્યા મેં જો ભગવાન રામ કા જન્મભૂમિ કા જો મંદિર બનને જા રહા હૈ ઉસકે ભૂમિ પૂજન કે અવસર પર 5.25 કિલો કો ચાંદી કી ઈંટ ભેજને કા કાર્યક્રમ હૈ। યે 500 વર્ષ કી લડાઈ કે બાદ હિન્દુઓ કી બહોત બડી જીત હૈ, કેવલ ભારત નહીં પૂરી દુનિયામાં ઇસકા બહોત બડા कार्यक्रम सब लोग देखने वाले हैं। हिंदू समाज खूब हर्ष और उत्साह के साथ इस भगवान राम की जन्मभूमि के जो मंदिर बन रहा है उसकी खूब खुशी व्यक्त करता है। सर आप यहाँ से आप में से कौन जाने वाला है? हमारे यहाँ से अभी कोई नहीं जाने वाले, सभी हिंदू समाज को ये संतों ने कहा है कि अपने घर पर 5 दिए जलाए, आरती करें, मिठाई बांटे। अयोध्या में पूज्य संत श्री रहने वाले हैं, अभी कोई सभी हिंदू समाज का आह्वान नहीं है, जब भी आह्वान होंगे तब जाएंगे। आप सूरत के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? 5 तारीख के दिन सारे हिंदू समाज के सारे सूरत के लोग अपने घरों पर दिया जलाए, दोपहर में भगवान राम की आरती करें और पूरा सूरत राममय बने, यही हमारा विश्व हिंदू परिषद का आह्वान। वैसे त्रेता युग में भगवान श्री राम ने जन्म लिया और त्रेता युग में ही शरीर धनी में भगवान श्री राम देह का श्री राम का देह विलय हुआ। इसके बाद उसके संतान श्री लव और कुश ने भगवान श्री राम की याद में एक भव्य मंदिर का निर्माण किया और भगवान श्री राम की मूर्ति, पिताजी की मूर्ति वहाँ स्थापित की। रामनवमी के दिन प्राण प्रतिष्ठा करके
विश्व प्रसिद्ध यह मंदिर कहलाया। इसके बाद विदर्भियों द्वारा ये सहा नहीं गया, मंदिर के ऊपर आक्रमण किया, शव खून ऐसे कई लोगों ने मंदिर पर आक्रमण किया, मंदिर का ध्वंस किया। इसके बाद विक्रमादित्य राजा ने संघर्ष करके फिर से एक भव्य मंदिर का निर्माण किया। इसके बाद कालक्रम में इस्लाम में बाबर नाम का एक लुटेरू भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए आया, मंदिरों को ध्वंस किया। इसमें अयोध्या में भव्य मंदिर राम मंदिर था, भव्य मंदिर जिसका पूरे विश्व में ख्याति थी, वो मंदिर ध्वंस करने का प्रयास किया। लाखों लोगों ने अपना वीर गति इसमें प्राप्त बचाने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए लाखों लोगों ने वीर गति प्राप्त की। और इसके बाद जब मंदिर नहीं टूटा तो बाबर ने तोपों का प्रयोग करके मंदिर भव्य मंदिर ध्वंस किया और उसी अवशेष के वो लेकर एक गुंबज का निर्माण किया जो कि मुल्ला और मौलवी वहाँ से आने जाने में विश्राम स्थान, वो मस्जिद था ही नहीं, हमारे लिए कलंक था। हिंदुओं ने वो कलंक को मिटाया और उसके बाद उसी समय एक भव्य मंदिर निर्माण की कल्पना की थी, वो प्रतिज्ञा वो कल्पना आज 5 तारीख को साकार होने वाली है। प्रशासन के द्वारा भी एक विजय हमें हिंदुओं को प्राप्त हुआ है। हिंदुओं के विश्व में कई ऐसे हैं, कई देश ऐसे हैं जो इस्लामिक देश है फिर भी भगवान श्री राम हृदय में बसा हुआ है। ये सभी ऐसे राम भक्त के हृदय में 5 तारीख का विजय दिवस ये एक प्रकार का संतोष व्यक्त करने का दिवस है, विजय दिवस है। और उस विजय में कई संप्रदाय द्वारा, साधु संतों द्वारा हमारा भी योगदान इस मंदिर के निर्माण में होना चाहिए, ऐसी भावना के साथ आज यहाँ पर जैन धर्म द्वारा 11.5 किलो की रजत द्रव्य जिसको हम ईंट कहते हैं वो भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित किया है और वो आज हमने स्वीकार किया है, साभार स्वीकार किया है। और विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से आभार व्यक्त करते करके वो जो शिला है वो अयोध्या 5 तारीख से पहले हम पहुंचाएंगे। धन्यवाद। अयोध्या खाते भव्य राम मंदिर बनी रह्यू होय त्यारे तेना निर्माण में राष्ट्रना समग्र समाजोए आगळ आवुं जोईए, साथे ऐतिहासिक घटना में सूरतनुं योगदान पण रहेशे तेम जणाव्युं हतुं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूरत।